हेलो ऑल, मैं निकुंभ सर आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल पे। आपसे इंटरेस्ट है, हमें जो करना है अपना। तो जो आज की आपकी सरकारी नौकरी है वो समीर की तरफ से आपके लिए नोटिफिकेशन आया है, जो कि है प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है, ठीक है। भले ही कॉन्ट्रैक्ट पे है, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट है समीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ज्वाइन कीजिए, चांस लीजिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का ग्रैब कीजिए और साइड बाय साइड आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन तो कर सकते हो। एटलीस्ट 2 साल के लिए आपका एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मतलब रहेगा आपके पास, और आपका सैलरी भी 30,000 या 42,800 तक रहेगा, ठीक है, इसमें वैरी होगा। टोटल 13 वैकेंसीज है, जो बीई बीटेक एमई एमटेक जिन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर भी है और एक्सपीरियंस भी है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो एज लिमिट 30 इयर्स है वो आपका सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए एज लिमिट का कोई लिमिट नहीं है। तो इसके बारे में एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे कि हमेशा देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो 55% आपका एग्रीगेट चाहिए, चाहे आप बीई हो, बीटेक हो, एमई एमटेक हो, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट क्राइटेरिया है, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। बाद में आपका आइदर वो एग्जाम ले सकते हैं और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, और दोनों भी हो सकता है, मतलब एग्जाम प्लस इंटरव्यू भी हो सकता है, ठीक है, वो उनके ऊपर है वो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहो। चेन्नई में आपका होने वाला है, उन्होंने ये दिया है, आपका लोकेशन दिया है, कॉलेज का नाम दिया है, ठीक है, तो वो लोकेशन जो है चेन्नई होने वाला है, तो जो भी चेन्नई को जा सकते हैं वो कंपलसरी अप्लाई करो। बाद में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपके, ठीक है, वो है आपका 30 जैन, एंड आपका एंड होने वाला है मतलब कल, जो कल है वो फॉर्म खत्म होने वाला है, तो इसलिए अभी वीडियो के बाद में आपको सब बताऊंगा कैसे करना है क्या करना है, तो आप प्रॉपरली फिल कर दीजिए, ठीक है। और आपका जो इंटरव्यू एग्जाम होने वाला है या दोनों होने वाले वो है 10th ऑफ फेब्रुआरी को, ठीक है, तो 5 दिन बाद आपका ये होने वाला है इंटरव्यू और एग्जाम और दोनों, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जो प्रोसेस आपका है वो क्या है वही आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो है वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। तो इस पे फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, अच्छे से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इधर आपको दिया है, टाइम भी दिया है, देखो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का सुबह 8:30 बजे और 9 बजे, ठीक है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक ऑनलाइन सिंपल फॉर्म उन्होंने दिया है वो आपको फिल करना है, फीस नहीं है इसमें कुछ, ठीक है। तो जस्ट आपको ये फॉर्म फिल करना है, इसमें आपका फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, क्वालिफिकेशन क्या है आपका, ठीक है, आपके परसेंटेज पासिंग क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बस इतना ही करके आई एग्री करके सबमिट कर देना है, गूगल फॉर्म दिया है उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इधर दिख रहे हो आप, ठीक है, ये पीडीएफ है और आपका नोटिफिकेशन भी दिया है, नोटिफिकेशन में खास जानकारी नहीं है, जितना मैंने बताया उतना इनफ है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, और जो वेन्यू है वो इसमें है, नोटिफिकेशन में सब आपका वेन्यू है, कैसे जाना है, हाउ टू रीच, वो सब दिखाऊंगा मैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो, ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म का दिखेगा, ओके। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आपको प्रॉपरली फिल करना है, फोटो सब अच्छे से करके फिल करो, ओके, सब दिया है उन्होंने, तो ये अच्छे से फिल करो, डिक्लेरेशन के साथ आप फिल कर सकते हो। और बाद में ये अगर कोई मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेमी गवर्नमेंट में है या ऑटोनॉमस में है, तो आप फिल कर सकते हो। बाद में आपका ये समरी है, ठीक है, तो इतना आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करना है और ये आपको लेके जाना है 10 तारीख को। बाकी आपका जो नोटिफिकेशन है तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा उन्होंने दिया है कि आपको कैसे जाना है सेंटर में, ठीक है, लैंडमार्क देखिए सेंटर क्या है आपका, तो जो है सेंट्रल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इधर आपको जाना है, कैसे जाना है वो भी दिया है, ठीक है, तो कौन सी बस है, कौन से सब, वो सब दिया है इधर प्रॉपरली। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है वो उन्होंने दिया है, जैसे कि आपका मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, दे आपका पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, 1 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपीज, ठीक है, तो एक बार सबका जेरोक्स निकालो, उस पर सिग्नेचर करो और उसका एक सेट अलग से रखो, और ओरिजिनल भी अपने साथ रखना है आपको 10 तारीख को, ठीक है, ओके। बाद में अभी आपको प्रिपरेशन क्या करना है, जस्ट 5 दिन है आपके पास, राइट, तो उसमें क्या करना है देखिए, तो बेसिकली 2 पोस्ट है, एक तो ये पोस्ट है जो आपका, दोनों पोस्ट सेम ही पोस्ट है, लेकिन आपका जो ये है फील्ड है अलग अलग है, ओके, एरिया जो अलग अलग है, तो इसको 10 वैकेंसी, इसको 3 वैकेंसी है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपको देखना है, जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेबिलिटी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, ईएमसी कैलिब्रेशन, ओके, और वर्किंग नॉलेज ऑफ आरएफ एंड माइक्रोवेव, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वो उधर जाके आपको बोलना पड़ेगा उनको, ठीक है। और बाद में अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि जावास्क्रिप्टिंग, पाइथन है, डी जेंगो है, प्रोग्रेस एसक्यूएल है, ठीक है, मैटलैब है, उसमें आपको है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, बाद में न्यूट्रल नेटवर्क है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो इसके बारे में आपको मतलब अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी प्रिपरेशन, आपको मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे,
कि ये जो है फील्ड इसके बारे में नॉलेज गैदर करो, ठीक है। तो इंटरनेट से जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन लो, बेसिक्स अपना क्लियर रखो, सेम इधर भी सब अपना बेसिक जो है वो क्लियर रखो, क्योंकि आपके इंटरव्यू में बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है उनको, जो जिन्होंने काम किया है इस फील्ड में उसके बेसिस पे उनको क्वेश्चन पूछेंगे। जो फ्रेशर्स है उनको बेसिक नॉलेज चाहिए कंपलसरी, अगर आप इसके लिए जा रहे हो तो इसके लिए जा रहे हो तो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्ड है इधर, इंटरेस्ट क्या है आपका उसके हिसाब से करो, और जितना भी आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले पाओगे उतना प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। तो नॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ट्राई करो, 13 वैकेंसीज है और इसके लिए 10 है, ओके, इसके लिए 3 है, तो ट्राई करो, आपके ऊपर है कौन सा देना है आपको और कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी था आपका समीर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। कुछ भी आपका डाउट हो तो टेलीग्राम में अपना ग्रुप है @apnagovernmentjob, वो आप ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी हो तो, ठीक है, या नीचे वीडियो के कमेंट भी कर सकते हो। जो नए हैं सब्सक्राइब करो चैनल को, ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब लेने, अपडेट लेने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और कुछ भी आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अभी रुकते हैं, एंड प्रॉपरली फॉर्म फिल करो, कल लास्ट डेट है, तो फॉर्म अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करो एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करो। ऑल द बेस्ट।